स्थिति में अगर रोड पर आएंगे तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि कृपया अपने घरों में रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन आपके साथ है, कोई भी निर्दोष आदमी जेल नहीं जाएगा और दोषी बचेगा नहीं। कृपया अपने घरों में रहें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन आपके साथ है, कोई भी निर्दोष आदमी जेल नहीं जाएगा और दोषी बचेगा नहीं। भाग कहाँ है? संध्या में एक घटना घटित थी। जानकारी जो हम लोग को मिली है फुटबॉल खेलने के दौरान, कुछ और भी बातें उसको भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उस घटना के बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको हम हत्या कहेंगे और उनको हम लोगों ने उस लाश का ही पोस्टमार्टम करा दिया है रात्रि में ही विशेष परिस्थिति में। और जो अभियुक्त थे तीन, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। आज कुछ शरारती तत्व, असामाजिक तत्व, चूँकि मेरा शहर जो विक्रमगंज है मैं इसको जानता हूँ, ये विक्रमगंज के आम आदमी गलत नहीं है और हमेशा प्रशासन के सहयोग में रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कुछ उसमें से असामाजिक तत्व घुस गए थे और लाश आने के पूर्व ही, इसी से पता चलता है कि साजिश और सुनियोजित तरीके से ये घटना की गई है। थाना के सामने उन लोगों ने ट्रैक्टर लगा करके और तरकुल लगा करके जाम कर दिया था। पुलिस को ऐसी उम्मीद नहीं थी, चूँकि उन्होंने अच्छा काम किया था, तुरंत काम किया था, त्वरित कार्रवाई किया था। तो पुलिस ऐसे कहीं समझाने के लिए कि आप लोगों ने क्यों जाम कर दिया, जो असामाजिक तत्व थे उन लोगों में से पथराव कर दिया गया और हमारे कुछ सिपाही पदाधिकारी जख्मी भी हुए हैं पथराव से। और हम, जैसा कि हमको जानकारी मिली है कि हमारे दो, एक पदाधिकारी को और दो पदाधिकारी को गोली लगी है, छरा लगी है। हम लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने उठाया भी है, गिरफ्तारी भी किया है। और शहर को जो अशांति फैलाएंगे, इस तरह के असामाजिक कार्य करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि कोरोना का कहर जारी है, ऐसी स्थिति में एक जगह वो जमा हो रहे हैं, रोड पर आ रहे हैं, तो ये भी गलत है, कोरोना को फैला रहे हैं। 144 धारा भी लगी हुई है, उसका भी उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं। हम लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करा रहे हैं, जो भी चिन्हित होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन निर्दोष फंसेंगे नहीं, इसकी भी गारंटी। हमारे नगर में कल एक बच्चे की हत्या हो गई थी, जिसमें परियोजन जो थे उनके अरेस्टिंग के मांग कर रहे थे, लेकिन हमारे समझ से अभी तक FIR भी नहीं लॉन्च हुआ था। उसका वो लोग विरोध कर रहे थे, बार बार थाना पर लोग जा रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा उन लोगों को संतुष्ट नहीं किया गया। उसका परिणाम स्वरूप हुआ कि उन लोग बाल बच्चे तमाम परिवार के लोग जो थे वो रोड पर चले आए, और समय रहते अगर थाना प्रभारी अगर इस चीज़ को वाच करते तो मेरे समझ से इस तरीका का जो घटना घटा ये नगर में नहीं घटता। और पुलिस के तरफ से भी फायरिंग हुई है, बहुत से लोग, कितने राउंड फायरिंग हुई है? 3 राउंड में लमसम फायरिंग हुई है और बहुत से लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। प्रशासन जो है आप से बाहर हो गई और राहगीर के साथ साथ दुकानदारों को भी बेरहमी से लोगों ने पीटा है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए।
और ऐसे थाना प्रभारी को निश्चित तौर पर मुअत्तल करने की।